नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन पौधा से परिचित कराने वाला हूं, जो आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं। ये पौधा जो है सड़क के किनारे आसानी से मिल जाता है, आते जाते आपको कहीं भी यह पौधा दिख जाएगा। आप जहाँ भी कूड़ा करकट रहता है ना दोस्तों, वहाँ पर देखना, अक्सर यह जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता है वहाँ पर यह उग जा रहता है, और कहीं भी लोग इसे देख करके पहचान लेते हैं क्योंकि इसे प्रायः सभी लोग जानते हैं। और भोलेनाथ शंकर को भी यह पौधा का फल फूल पत्ते सभी प्रिय होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जो है विषधारी होते हैं, विष का पान करने वाले होते हैं, और यह फल भी विषधर होता है। इसमें इसके फल में जहर होता है, लेकिन गुणकारी जहर होता है, इसलिए शायद इसे धतूरा कहा जाता है। इस पौधे का नाम धतूरा का पौधा है। आप लोग अच्छे से देख करके पहचान लीजिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि यह जहरीला पौधा होते हुए भी अमृत के समान असर करता है और अमृत के समान व्यक्ति को निरोग बना करके रोग मुक्त कर देता है। अगर इसका सही प्रयोग करना जान जाओगे तो आपको निश्चित रूप से इसके आश्चर्यजनक फायदे मिलेंगे। इतने ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे कि इसका प्रयोग करने वाला खुद कहेगा कि अरे वाह, ये तो धरती का अमृत है। तो दोस्तों, देख करके पहचान लीजिए, धतूरा का पौधा है। और इस धतूरे के पौधे से किन किन रोगों को आप आसानी से ठीक कर सकते हो मैं आप लोग को बताता हूँ, तो बने रहें वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। दोस्तों, ये धतूरा का जो पौधा देख रहे हो, इसमें इसके जो इस तरह से पत्ते दिखाई दे रहे हैं हरे हरे, इन पत्तों को अगर आप तोड़ करके कुचल करके पेस्ट बना करके हल्का गर्म करके, जहाँ कहीं भी जोड़ जोड़ में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, साइटिका, अर्थराइटिस, जितने भी जॉइंट पेन के जो दर्द होते हैं, उन सभी दर्द में आप इसके पत्ते को लुगदी बना के पेस्ट बना के गर्म करके यदि आप वहाँ पे सेकाई करते हो या फिर बांध करके रखते हो, तो निश्चित रूप से यह वहाँ का दर्द खींच लेता है, चूस लेता है और आपको आराम दिला देता है। और अगर इसके पत्तों के रस को निकाल करके, इसके रस निकाल के दो दो बूंद कान में टपकाया जाए तो कान का भयंकर से भयंकर इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। कान दर्द तो तुरंत बंद हो जाता है। कान दर्द के लिए आप किसी भी प्रकार की जो दवाई दुकान से खरीद के ड्रॉप लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा बेहतर कार्य करता है इस धतूरे के पत्ते का रस, तो आप प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके जो फल देख रहे हो, इसके फल का और इसके जड़ का अद्भुत प्रयोग बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसकी जो जड़ें होती है वह बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में कार्य करती है। अगर आप इसके जड़ों को उखाड़ करके धो करके अच्छे से सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद आप इसे पाउडर करके रख सकते हैं, और इस पाउडर को आप काढ़ा बना करके, उस काढ़े से अगर आप अपने जो भी पुराना सड़ा गला घाव है उसे धोते हैं, तो निश्चित रूप से वह घाव जल्द भर जाता है, भयानक से भयानक घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर इसी काढ़े में फिटकरी मिला करके उबाल करके शरीर के जितने भी इन्फेक्शन वाली जगह है, जैसे प्राइवेट पार्ट हो गया, जो छुपा हुआ भाग होता है वहाँ पे बदबू आता है या फिर खुजली रहता है, तो इस तरह की समस्या में भी आप इसके फिटकरी मिले हुए काढ़े से वहाँ की सफाई कर सकते हो। और इस तरह से सफाई करने पर कुछ ही दिनों में आपका वहाँ का एरिया पूरी तरह से साफ हो जाएगा और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आपके गुप्तांग को मुलायम और चिकना युक्त बना देता है और पहले से सख्त और टाइट बना देता है। प्राइवेट पार्ट को भी, अपने गुप्तांग को भी इससे साफ करके उससे फायदे ले सकते हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पुरुषों में आने वाली एक बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान के लिए इसका अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है और इसका दुष्प्रभाव भी आपको मिल सकता है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। यह धतूरा का पौधा जहरीला पौधा जरूर होता है, लेकिन अमृत के समान फायदे भी करता है अगर इसका सही प्रयोग करोगे तो। इसलिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यह जहरीला पौधा होता है, इसे डायरेक्ट ऐसे ही खाया नहीं जा सकता। इसे खाने के लिए, इसे दवाई बनाने के लिए पहले इसका शोधन करना पड़ता है, तो उसी शोधन करने की प्रक्रिया को बता के मैं आप लोग को इसके खाने की विधि बताऊँगा। तो ये धतूरा का जो फल देख रहे हो, इस फल को आप इकट्ठा कर लेना तोड़ तोड़ करके, और इकट्ठा करने के बाद उसे उसका बीज निकाल लेना कूट करके, और अंदर की जो बीज
अभी जो आप देख रहे हो इस तरह से निकलेगा, उसको आप सुखा लेना। सूखने के बाद आपके पास जितने भी बीज रहेगी उन सभी बीजों को 24 घंटे के लिए गौमूत्र में डाल के रखना है आपको, यानी गौ माता का जो पेशाब होता है उसमें पूरी तरह से डुबो के इन धतूरा के बीजों को रखना है। अगर आप चाहें तो 24 से 48 घंटा भी डुबो सकते हैं, क्योंकि जितनी देर तक डुबो के रखे रहोगे उतनी अच्छे से इसका शोधन हो जाता है और इसका जो विष होता है वह ख़त्म हो जाता है। और इसके विष के अंदर जो अमृत रूपी पदार्थ भरा है, जो शरीर के लिए नव यौवन प्रदान करता है, शरीर में नई जान फूंकने का कार्य करता है, वह शक्ति प्रकट हो जाता है। तो आप सबसे पहले इस बीजों को 24 घंटे या 48 घंटे के लिए गौमूत्र में डुबो करके रखें, उसके बाद उससे निकाल करके सुखा करके उसे खरल से पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आप इस पाउडर को अश्वगंधा का जो पाउडर आता है या फिर अश्वगंधा के पौधे को पहचानते हो तो उसकी पाउडर बना लीजिए। अश्वगंधा का पाउडर और ये धतूरे का बीज का पाउडर, इन दोनों के पाउडरों को छोटी छोटी आप एक एक ग्राम की मात्रा में छोटी मात्रा में गोली बना लें। इस तरह से गोली बना करके रख लोगे तो उस गोली का अगर समस्या ज़्यादा है तो एक गोली या फिर आधा गोली आपको खाना है, और वो भी एक दो दिन गैप कर करके सुबह शाम खाना है। जिसे आज खाओगे तो आज सुबह खा लेना और उसके बाद रात को खा लेना। सुबह शहद के साथ खा लेना और रात को दूध मिले तो दूध के साथ या फिर शहद के साथ ही चल जाएगा। इस तरह से आपको एक दो दिन गैप कर करके खाते रहना है। और साथ में इन धतूरा के बीजों का तेल निकाला जाता है। अगर आप धतूरा के बीजों से तेल निकालने का प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो कमेंट करके पूछना, मैं आप लोग को धतूरे के बीज का तेल निकालने की विधि भी बता दूंगा। और इस धतूरा के बीज के बने तेल को अगर आप अपने गुप्तांग में लगाते हो, कितना भी सुस्त पड़ा, बेजान पड़ा, मुर्दे के समान लटका हुआ आपका औजार क्यों ना हो, इसको लगाने के बाद धीरे धीरे खड़ा होता जाएगा और उसमें एक नई जान, एक ऊर्जा आ जाएगी। उसकी नसें जो है फूल करके अच्छे से कार्य करने लगेगी, उसमें रक्त संचार तीव्र होने लगेगी। बशर्ते ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे की सुपारी वाले भाग को छोड़कर ऊपर की चमड़ी वाले भाग में जड़ सही लगाना है नीचे तक, और लगा के हो सके तो हल्के हल्के सेकाई भी कर लें अगर मामला गंभीर है तो, या फिर धतूरे के बीज के तेल को लगा करके उसमें इस धतूरे के पत्ते को ऊपर से बांध दें और ऐसे ही सो जाएं। इस तरह से लगातार कंटिन्यू एक सप्ताह या 15 दिन करें। उसके बाद जब भी आपका मन करे सहवास करने की तो आप इस धतूरे के तेल को अपने पैर के नीचे तलवे में अच्छे से लगा करके मालिश कर लें 5 मिनट दोनों पैर के तलवे में इसी धतूरे के तेल को। उसके बाद आप प्रतिक्रिया करें, सहवास करें, देखना दोस्तों निश्चित रूप से आप संसार के सबसे पावरफुल और बिस्तर सम्राट व्यक्ति बन जाओगे। यह स्तंभन शक्ति को भी बढ़ाता है और इसकी जो छोटी छोटी मैं टेबलेट बताया उसे खाने से वीर्य को भी बढ़ाता है, खून को साफ करता है, सप्त धातुएं पुष्ट होती है। इसका तेल आपकी बेजान नसों में जान भर देता है, जान फूंक देता है। तो मैंने आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश किया इस वीडियो में कि आप धतूरे के फल से किस तरह से गोली बना करके खा सकते हो और इसके तेल को किस तरह से प्रयोग कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे कि इस धतूरे का तेल कैसे निकाला जाता है तो मैं उसका भी वीडियो बना के बता दूंगा आपको। यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैं इसमें वो तरीका नहीं बता पाया। अगर वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह की हर एक प्रकार की वनस्पतियों की महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं किसी और अच्छे औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।